रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत यहाँ पर आपका जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर आपको दिया जाने वाला है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पर रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपको जो है एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रहने वाला है यह सितंबर 2023 में यहाँ पर आपका जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है। दोस्तों यह जो प्रोग्राम है यह 18 दिन का प्रोग्राम रहता है और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो डेट है वह है 7 अगस्त 2023 से आप जो है इसका ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया जाता है यानी कौन से ट्रेड की यहाँ पर आपको प्रशिक्षण दी जाती है, यह आईटीआई वाले और नॉन आईटीआई वाले भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको आगे चलकर जॉब में भी मिलता है। देखिए यहाँ पर कौन से ट्रेड है, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, एनएसएस यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क सर्विलांस सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड क्रिएटिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन यानी आरएसी को भी यहाँ पर मौका दिया गया है यानी उनका जो है प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जाएगा। टेक्नीशियन मेट्रॉनिक्स, ट्रैक लेयरिंग, वेल्डिंग, बार बाइंडिंग एंड बेसिक ऑफ आईटी एंड एसएनटी इन इंडियन रेलवे। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स कैंडिडेट इन गेटिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एंड बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉय यानी यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय बनाने के लिए यह जो है 18 दिन का यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है या रेलवे की तरफ से दिया जाता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप 10वीं पास होनी चाहिए, आपकी एज जो है 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए आपके 10th के मार्क पर यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप CBSE बोर्ड से है तो आपको जो है 9.5 इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है वह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर www.railkvy.indianrailways.gov.in इस वेबसाइट 7 अगस्त 2023 से फॉर्म भरना चालू हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ पर ऑफलाइन भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जॉब, आपको जॉब कहाँ मिल सकता है यानी जॉब की जो है यहाँ पर आप अगर यह ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ पर इसका जो है आपको जॉब दिया जाएगा, इसका ऐसा नहीं है यानी यहाँ पर 100% यह कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिलेगी यह गारंटी नहीं है और यह आश्वासन जो है रेलवे नहीं देता है। यहाँ पर रिजर्वेशन कोई भी नहीं है, आपकी यहाँ पर अटेंडेंस जो है 75% होनी चाहिए। यहाँ पर जो है आपका 18 दिन यानी 3 वीक का जो है यहाँ पर ट्रेनिंग रहने वाला है। पास क्राइटेरिया क्या है, आपकी रिटर्न एग्ज़ाम होगी और प्रैक्टिकल होगी। रिटर्न एग्ज़ाम में आपको जो है 55% होना चाहिए और प्रैक्टिकल में जो है यहाँ पर 60% आपको आने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए यह जो ट्रेनिंग है यह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है आपको रहने का खाने पीने का जो है खुद के ही पैसों से अरेंजमेंट करना होगा। आपको यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस या एक्स्ट्रा कोई भी नहीं देने वाली है। ट्रेनिंग ओनली ऑन डे टाइम यानी नाइट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं रहने वाला है। आपको जो है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ सूचनाएं दी गई हैं। आपको यहाँ पर ऑनलाइन कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर आपका जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके बाद ही आपको जो है शॉर्ट लिस्ट आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से बताया जाएगा, उसके बाद ही आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देखिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, मेट्रिकुलेशन मार्क यानी 10वीं का मार्कशीट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी जो भी आपकी मार्कशीट होती है उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ होती है वह, फोटो, आइडेंटिफाई प्रूफ सच एज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, रेशन कार्ड, पैन कार्ड, एफिडेविट 10 रुपीज़, नॉन जस्टियल स्टैम्प पेपर और यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट, इतने डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर आपको लगने वाले हैं।
मेडिकल फिटनेस में क्या कहा गया है, कैंडिडेट शुड हैव मेडिकल अंडरगो ट्रेनिंग, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड सबमिट फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी आपको सब MBBS जो भी डॉक्टर होते हैं उसके उनके यहाँ से जो है आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना है। आपको यहाँ पर कोई भी स्टाइफेंड वगैरह नहीं दिया जाएगा। यह जो ट्रेनिंग है यह 18 दिन की रहने वाली है और यहाँ पर अगर आप यह नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।